बेटा स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर में। हम लोग बेटा अकाउंटेंसी 12th का एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी क्लास करेंगे बेटा। ठीक है, आई होप आपको अब तक जो मैंने कंटेंट दिया है वो सब पसंद आया होगा बेटा। और अगर आप लोगों को वो सब कंटेंट्स पसंद आ रहा है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। ठीक है बेटा, बट उससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, मैं जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं तो आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका जवाब आप लोग दे नहीं रहे हैं। या तो आपको चीजें आ नहीं रही है या आप फिर बताना नहीं चाहते। बेटा ये क्वेश्चंस आपके इवैल्यूएशंस का एक तरीका है, समझ में आता है कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आपको इनका जवाब जरूर देना है, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट ना कर पाए। तो आज के जो क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है इफ बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट Then it will be, आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस, ये क्या होगा प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द फर्म एंड ट्रांसफर टू विच अकाउंट। आपको ये बताना है जो प्रॉफिट या लॉस होगा बेटा, ठीक है, वो किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है इफ क्लेम फॉर वर्कमैन इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमें क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। दोबारा क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर हमारी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है और उसके अगेंस्ट क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन का वो कम है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा, इफ देयर इज अ गुडविल इन द बैलेंस शीट, अगर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो इट विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट। अगर हमारी बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दे रखी है तो उस गुडविल को हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, वो बैलेंस जो पार्टनर्स का बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा है उसको हमने लिख लिया। इसके बाद हमें देखना है कि लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स के कैपिटल के साथ आपको क्या क्या और गिवन है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको फिनिश करेंगे बेटा, उनको ट्रांसफर करेंगे अगर उनमें से कुछ भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कैपिटल वाली साइड यानी लायबिलिटी साइड में दे रखा है जहां पर कैपिटल लिखी है वहीं पर आना है, कई बार बच्चे इसको भी भूल जाते हैं। तो उसके बाद आपको ट्रांसफर करना है बाय रिजर्व या फिर जर्नल रिजर्व, ठीक है। ये भी किनका होता है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स का होता है, हमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद वहां पे आपको मिल सकता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका बैलेंस, ठीक है। अगर लायबिलिटी साइड में बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है और ओल्ड पार्टनर्स का है जिसको उन्होंने अभी तक बांटा नहीं है तो हमें उनको ही बांटना है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इसके बाद वहां पर और क्या मिल सकता है बेटा, आपको मिलेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, ठीक है। अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में वो आपके क्लेम से ज्यादा है या कोई क्लेम ही नहीं है तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा क्योंकि ये भी प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। इसके बाद आएगा बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दे रखा होता है बेटा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है तो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कोई कमी आई है बट उस कमी को कंपनसेट करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कुछ बैलेंस बचता है तो वो भी हमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका आएगा बेटा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसपे जो भी प्रॉफिट आता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो भी बेटा हमें इनकी कैपिटल की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है बेटा। ये सब वो कंपोनेंट मैंने लिखे हैं रिजर्व से स्टार्ट करके प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तक, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेंगे, ठीक है। बट यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस ये तभी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ता है बेटा जब हम उनको आगे नई फर्म में कैरी नहीं करते हैं, जब हम उसको नई फर्म में कैरी नहीं करते हैं। अगर हम कैरी करेंगे तो यहां पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, तब ये ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये तभी आया जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इसका मतलब है कि आफ्टर द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो हमारी रिवाइज्ड वैल्यू है असेट्स और लायबिलिटी की, अगर हमने वो नई बुक्स में रिकॉर्ड की है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उस पे जो भी प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बट जाएगा। बट अगर हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते या फिर पुरानी वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमें यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, तभी फिर ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके बाद एक और चीज आता है बेटा यहां पे, वो आता है बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस चीज का ट्रीटमेंट बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये किस चीज का ट्रीटमेंट है बेटा? यह है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन से वाली गुडविल? जो हमने वैल्यूड की। कब वैल्यूड की? व्हेन एवर देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आपको एडजस्टमेंट में दी होती है। तो वो हमें क्यों गुडविल वैल्यूड करते हैं? ताकि हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर सकें। मान लीजिए इस क्वेश्चन में या इस यहाँ पे एग्जांपल में ले रहा हूं कि बी हमारा गेनिंग पार्टनर है, तो ए हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बी उसको कंपनसेट करेगा इन वे ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बी कैपिटल अकाउंट और ए की कैपिटल को बढ़ा दोगे, ए की कैपिटल को बढ़ा दोगे, ठीक है बेटा। तो क्रेडिट साइड के कंपोनेंट केवल ये है। अब बात करते हैं डेबिट साइड के कंपोनेंट में। तो सबसे पहले गुडविल, कौन सी गुडविल बेटा? एग्जिस्टिंग गुडविल, जो आपकी बैलेंस शीट में होती है, जो आपकी बैलेंस शीट में होती है असेट साइड में। असेट साइड के जितने कंपोनेंट्स हैं बैलेंस शीट में वो सब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आते हैं, लायबिलिटी साइड के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब क्रेडिट साइड में आते हैं। तो सबसे पहले गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। हर चैप्टर में सेम ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा असेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, वो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स का ही है और वो आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी बेटा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, वो भी ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। इसके अलावा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फिर वही केस है, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस पर आपको लॉस आता है तो फिर वो बेटा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो ये सारे कंपोनेंट वो है जो कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा यहां वाली जो एंट्री है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का तो कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया बट गेनिंग पार्टनर का कैपिटल हमने डेबिट नहीं किया है, उसकी भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, यहां पर ए सैक्रिफाइसिंग था और बी गेनिंग था, तो बी के नाम से ए की कैपिटल क्रेडिट हुई थी, तो यहां पे ए के नाम से यहां पे लिखोगे टू एज कैपिटल, हम बी की कैपिटल को डेबिट करेंगे, मतलब बी की कैपिटल से निकालना है और ए की कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो यहां पे बेटा मैंने बी की कैपिटल को डेबिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अपने को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ए का जितना कैपिटल आया और बी का जितना कैपिटल आया, हमने इसको बैलेंस करके इसको बंद कर दिया, इस अकाउंट को बंद कर दिया, और यहां पे भी हम इसको बंद कर देंगे। बट इन केस, एक केस में आपका डेबिट साइड ज्यादा आ जाए, डेबिट बैलेंस ज्यादा आ जाए, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन चेंज इन द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।